वेलकम डियर फ्रेंड्स, मैं हूँ टाने सर। टाने सर टेक्निकल चैनल में फिर से स्वागत है। डियर स्टूडेंट, आईटी वाले स्टूडेंट के लिए लेटेस्ट वैकेंसी आई हुई है बैंक नेट नोट प्रेस नासिक। तो भारतीय प्रतिभूति मुद्रणालय नासिक रोड, मतलब कि बैंक नोट प्रेस आपने सुना भी होगा, जहाँ पर नोट छपते हैं, ये वैकेंसी वहीं की है। भारतीय प्रतिभूति मुद्रणालय नासिक रोड नासिक। तो बैंक नोट प्रेस नासिक से वैकेंसी आई हुई है। यहाँ भारतीय प्रतिभूति मुद्रण एवं मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड इकाई है नासिक में। यहाँ पर सिक्के भी बनते हैं और नोट भी बनती है, ठीक है। तो भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व मिनी रत्न कंपनी है और यहाँ पर ये ग्रेड वन की कंपनी है। इसमें देखेंगे डियर स्टूडेंट, तो एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया है, ठीक है। इस एडवर्टाइजमेंट में देखेंगे आप, तो एडवर्टाइजमेंट नंबर 01/2023 लिखा हुआ है। तो इंडियन सिक्योरिटी प्रेस नासिक रोड नासिक में यहाँ पर इनवाइट किया गया एप्लीकेशन फॉर द एलिजिबल कैंडिडेट फॉर फिलिंग अप द फॉलोइंग पोस्ट। तो ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने आईटीआई कंप्लीट कर लिया है, उन्हीं स्टूडेंट के लिए ये वैकेंसी जारी की गई है। चलिए, इसमें अलग अलग पोस्ट में अलग अलग वैकेंसी जारी की गई है। तो इसमें देखेंगे वेलफेयर ऑफिसर, तो वेलफेयर ऑफिसर के लिए इसका लेवल A2 होगा और नंबर ऑफ पोस्ट इसमें 1 है। इसका IDA पे स्केल यदि आप देखें तो 29,740, मतलब कि 29,740 से 1,30,000 तक इसकी सैलरी है। कैटेगरी वाइज इसमें पोस्ट डिवाइड की गई है, तो इसमें अनरिजर्व की जो पोस्ट यहाँ पर डिवाइड की गई डिसाइड, और अनरिजर्व की एक ही पोस्ट है, बाकी कोई वैकेंसीज नहीं है। तो इसमें कोई भी SC ST OBC सभी स्टूडेंट भर सकते हैं, जितने भी साथी घने ये भर सकते हैं। रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन यदि देखा जाए तो 31/7/2023 के अनुसार डिग्री और डिप्लोमा कोर्स रिकॉग्नाइज अब इसमें देखेंगे महाराष्ट्र स्टेट एज पर द महाराष्ट्र वेलफेयर ऑफिसर ड्यूटीज क्वालिफिकेशन एंड द कैंडिडेट ऑफ सर्विस रूल्स 1966। इसमें महाराष्ट्र जो स्टेट है वहाँ से ही वेलफेयर ऑफिसर की का जो डिप्लोमा कोर्स है ये कंप्लीट या डिग्री कोर्स आपके पास होना चाहिए, ठीक है। इसमें मिनिमम 2 ईयर का जो है पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस के साथ में इंडस्ट्रीज़ का या फैक्ट्रीज़ का आपके पास होना चाहिए, ताकि आप जो पर्सनल ऑफिसर है HR एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए या वेलफेयर डिपार्टमेंट के लिए वो एलिजिबल हो सके। सेकेंड पोस्ट जो है, अब यहाँ हम बात करेंगे, ये हमारे काम की पोस्ट है, जैसे जूनियर टेक्नीसियन, ठीक है। यदि जूनियर टेक्नीसियन की बात करें तो जूनियर टेक्नीसियन में डियर स्टूडेंट यहाँ पर 41 यहाँ पर लिखा हुआ है। इससे ये समझेंगे कि नंबर ऑफ पोस्ट 41 है और ये W1 कैटेगरी की पोस्ट है इसमें। और इसमें यदि कैटेगरी देखेंगे तो UR में 19 पोस्ट है, SC में 5 है, ST में 4 है, OBC में 10 है, EWS में 3 है। तो इसमें जैसे IT वाले स्टूडेंट को मैंने बताया कि आपके पास फुल टाइम का IT सर्टिफिकेट रिकॉग्नाइज फ्रॉम द NCVT और SCVT प्रिंटिंग ट्रेड का होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर ये फुल टाइम ITA के जो है प्लेट मेकर जो है कम, आपके पास वैकेंसीज के लिए इतना आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, यदि नहीं है तो इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे आप, ठीक है। उसके बाद जूनियर टेक्नीसियन कंट्रोल का है, टोटल 41 पोस्ट है इसमें और सैलरी 18,780 से 67,390 तक है। UR की पोस्ट देखेंगे तो टोटल 19 है, SC की 6 है, ST की 3 है, OBC की 10 है, EWS की 3 है। इसमें क्वालिफिकेशन में फुल टाइम डिप्लोमा इन प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, तो प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी से फुल टाइम डिप्लोमा आपके पास होना अति आवश्यक है, ठीक है। फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट पॉलिटेक्निक, तो आपका डिप्लोमा इसका होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। चलिए, इसके बाद फोर्थ पोस्ट देखें तो टेक्नीशियन स्टूडियो के लिए है, टोटल 4 पोस्ट है। इसके लिए भी UR के लिए 3 है, OBC के लिए 1 है। इसमें भी फुल टाइम IT सर्टिफिकेट चाहिए आपके पास, ठीक है। प्लेट मेकर का इंग्रेवेयर और प्लेट मेकर का आपके पास NCVT SCVT का सर्टिफिकेट चाहिए। तो सर, जूनियर टेक्नीसियन स्टोर की बात करें तो ये भी
फोर पोस्ट है इसमें भी, फुल टाइम आईटी सर्टिफिकेट फिल्टर ट्रेड सॉरी फीटर ट्रेड का आपके पास चाहिए, एनसीबीटी हो चाहे एससीबीटी का हो डियर स्टूडेंट, इतना आपके पास होना चाहिए। इसके बाद देखेंगे जूनियर टेक्नीसियन सीएसडी का, इसमें टोटल 5 पोस्ट है और इसमें फुल टाइम आईटी सर्टिफिकेट वो भी फीटर ट्रेड का आपके पास चाहिए, चाहे वो एनसीबीटी हो चाहे एससीबीटी हो, ठीक है। कैटेगरी वाइज अलग अलग एक एक दो दो पोस्ट दी है, यूआर ओबीसी ईडब्ल्यूएस एस सबके लिए, यूआर में 2 है बाकी सबके लिए 1 है। उसके बाद जूनियर टेक्नीसियन, जूनियर टेक्नीसियन में एक ही पोस्ट है अनरिजर्व की और इसमें भी आईटी सर्टिफिकेट मांगा है टर्नर का, इसमें एनसीबीटी एससीबीटी दोनों होना अनिवार्य है, या एनसीबीटी भी चलेगा एससीबीटी भी चलेगा। उसके बाद देखेंगे पोस्ट नंबर 8 जूनियर टेक्नीसियन मशीनिस्ट ग्राइंडर का एक पोस्ट है, ठीक है, अनरिजर्व में और इसमें फुल टाइम आईटी सर्टिफिकेट चाहिए मशीनिस्ट ग्राइंडर का, ठीक है, इस ट्रेड का चाहे आपके पास एनसीबीटी हो चाहे आपके पास एससीबीटी हो दोनों चल जाएगा। इसके बाद यह है टेक्नीशियन वेल्डर का, इसमें एक ही पोस्ट दी हुई है और फुल टाइम आईटी सर्टिफिकेट चाहिए आपके पास वेल्डर ट्रेड का, रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट एनसीबीटी और एससीबीटी दोनों का, ठीक। इसके बाद टेक्नीशियन फीटर ट्रेड के लिए, इसमें टोटल पोस्ट दी हुई 4, अनरिजर्व के लिए 2, एससी के लिए 1, ओबीसी के लिए 1 और इसमें भी आईटी सर्टिफिकेट चाहिए होगी फुल टाइम आईटी सर्टिफिकेट इन फीटर ट्रेड, रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट एनसीबीटी और एससीबीटी दोनों हो तो आपके पास कोई भी एक चलेगा। इसके बाद वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट यदि देखा जाए तो इसमें इलेक्ट्रिकल का दिया हुआ है, 2 पोस्ट है अनरिजर्व और ओबीसी के लिए, इसमें फुल टाइम आईटी सर्टिफिकेट इलेक्ट्रिकल ट्रेड, तो आईटी सर्टिफिकेट बोला तो वो इलेक्ट्रीसियन भी वही है, इलेक्ट्रीसियन ही वही है और इलेक्ट्रिकल लिखा रहता है तो वो भी एक ही है, ठीक है। चलिए इसके बाद देखेंगे 12, तो इसमें जूनियर टेक्नीशियन इलेक्ट्रॉनिक्स की पोस्ट दी हुई टोटल 3, इसमें भी हमें चाहिए अनरिजर्व की 2 पोस्ट है, ओबीसी की 1 पोस्ट है, इसमें भी फुल टाइम आईटी सर्टिफिकेट चाहिए ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड रिकॉग्नाइज जो इंस्टीट्यूट है एनसीबीटी या एससीबीटी, ठीक है। तो ये इतने सारी वैकेंसीज दी हुई है और यहाँ पर जो आपके पास क्वालिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। एज लिमिट की बात करें, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एज लिमिट 31/7/2023 तक की जो एज लिमिट दी हुई है उसके हिसाब से ही आप वहाँ भर पाएंगे। इसमें क्वालिफिकेशन के बाद जो एज लिमिट है वो 18 साल से आल पोस्ट तक जो है मैक्सिमम 30 ईयर दिया हुआ है, वेलफेयर ऑफिसर A2 लेवल के लिए 25 ईयर दिया है और जूनियर टेक्नीशियन के लिए लेवल 1 के लिए, ठीक है, बाकी सब के लिए 30 ईयर दिया हुआ है। इसमें 4 पोस्ट दिया है PWD एंड 10 पोस्ट दिया है एक्स सर्विस मैन के लिए, विल बी एडजस्टेड बाई द हॉरिजेंटल रिजर्वेशन के साथ में। फॉर कम्प्लीट द डिटेल प्लीज़ विजिट द वेबसाइट, तो आपको कम्प्लीट डिटेल के लिए इस वेबसाइट को विजिट करना होगा। इस वेबसाइट को देखिए आप, इसमें ISP.spmcil.com दिया हुआ है, द लास्ट डेट ऑफ द सबमिशन, फॉर्म भरने की लास्ट डेट दिया है ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन इज 31/7/2023, मतलब कि 31/7/2023 ये लास्ट डेट है। इसके बाद ये लास्ट डेट के बाद फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होंगे, पोर्टल बंद हो जाएगा, इसलिए अभी तुरंत जाइए और पोर्टल खोलिए और फॉर्म अप्लाई कीजिए और आपके पास जो क्वालिफिकेशन है उसके आधार पर आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो आपके पास डिप्लोमा, ठीक है, उसके बाद है ITI जिसके पास हो, तो ITI सर्टिफिकेट, इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, ठीक, डिप्लोमा और ITI। तो बेसिकली ITI इलेक्ट्रीशियन फीटर टर्नर वेल्डर सभी के लिए वैकेंसी निकली हुई है और डिप्लोमा वाले स्टूडेंट के लिए वैकेंसी निकली हुई है। तो ये जो वैकेंसी है डियर स्टूडेंट, ये बैंक नोट प्रेस देखेंगे, इंडियन सिक्योरिटी प्रेस नासिक की वैकेंसी है और यहाँ सैलरी अच्छी होती है दोस्तों और बहुत अच्छी जॉब भी है। तो जो अभी ITI जो स्टूडेंट ITI किए हुए हैं उनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अभी करेंट में रहता है आपका और सारी चीज़ें आप, ये इसका जो पेपर आता है इसकी हम प्रैक्टिस करवा देंगे समय समय पर, किस टाइप से वैकेंसी आती है और ये तैयारी करवा देंगे हम आपको, ताकि आने वाले समय में आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाए।
तो डियर ये तो था मोस्ट इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपके लिए। इसके बाद ऐसी ही जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ITI टेक्निकल जो वैकेंसीज होगी वो हम समय समय पर लेकर आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।